हाई एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूंग वेल दिस इज गर्थ फ्रॉम करंड क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मैराथन कम रिविजन सीरीज तो ये यूनिट थर्ड है अगेन दो पार्ट्स में कवर हो जाएगा तो क्विकली हम क्या करेंगे यूनिट रिवाइज करेंगे एंड आई होप यू गाइस डू रियलाइज की एक रिविजन सीरीज है तो हम सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ेंगे आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है जो हमने इन डिटेल हमारे लेक्चर्स में कवर की है उनका यहाँ पे क्विक रिविजन होगा तो उनके लिए बेनिफिशियल है है ये जिन्हें ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देखे हैं लेकिन जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अभी तक किसी रीजन की वजह से नहीं देखे तो वो भी इससे काफी ज्यादा जो है फायदा ले सकते हैं फाइन पुराने वीडियो में अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपको इस मंथ का पूरा ये एक फ्रेमवर्क बना के दिया था कैसे आप इस मंथ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं एंड अभी भी यू गाइस हैव गॉट टाइम आप हर लेक्चर मेरा देख के अपना सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट और रिवीजन भी कर सकते हैं उसके बाद एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें तीन लेक्चर्स कवर होंगे लेक्चर 25, 26 एंड 27 अगर आपको कोई भी पॉइंट समझने में प्रॉब्लम आएगी तो आप रेफरेंस इन लेक्चर से बाद में ले सकते हैं या आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा या प्लस आप मेरा जो कंपाइल्ड पी डी एफ डिटेल के लिए आप वो पी देख सकते हैं वो मैं अपलोड करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका अगेन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं। इस पर मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर के ठीक है तो स्पेशलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है करंटली इसकी रिवीजन और एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है प्लस इंडियन हिस्ट्री चल रहा है आपका वो भी इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है ठीक है ये तीन पोर्शन जो है आपके ये ऑलमोस्ट जो है इसमें हिस्ट्री को छोड़ के ये दोनों डन है एंड हिस्ट्री जो है ये भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है ठीक है या अगर आप स्टेट पी एस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं उसका भी कवर करवा रही हूँ पेपर ए हमारा कवर हो गया है उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरी चैनल पर बनी हुई है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी नाम से एंड पेपर बी का हमारा ऑलमोस्ट जो है नाइन्टी सिलेबस खत्म हो गया है तो अगर आप ये सारी

उसका कुछ पार्ट जैसे आपका वो यूडीएचआर वगैरह हमने यूनिट सेकंड के रिवीजन के साथ ही कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैंने यूडीएचआर और ह्यूमन राइट्स आपको साथ में ही पढ़ाया था तो हमारा यूनिट थर्ड का आप ज्यादा पोर्शन नहीं बचता है स्टार्ट करते हैं वुमेन राइट्स से तो वुमेन राइट्स जो है आपको सिलेबस में ये नहीं बताया था आपको इंटरनेशनल पढ़ना है या सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक रहना है तो हमने अपने वीडियोस में क्या किया है हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है भाई तो राइट्स कौन से होते हैं वो ये वो फ्रीडम है जो इनहेरेंटली प्रोजेस बाय वुमन क्योंकि बाई बींगमेन जैसे हम बोलते हैं बाय बींग ह्यूमन आपको कुछ ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है सिंस सेंसियोर ऑफ वुमेन तो कुछ राइट्स जो है वो आपको मिलने ही चाहिए जो ह्यूमन राइट्स हैं इसमें और आपके जो वुमन राइट हैं इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है ऑल दो ये वुमेन राइट right को बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट ही है लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है ये ओवर टाइम इवॉल्व हुए ठीक है हमने लास्ट लेक्चर्स uh, में पढ़ा लास्ट मैराथन सीरीज में भी और डिटेल लेक्चर्स में भी कि कैसे बिहाइंड द सीन्स जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ें हो रही थी कि फाइनली ह्यूमन राइट्स को जो एक ऑफिशियल फॉर्म में हमारे सामने लाने की जरूरत पड़ी लेकिन वो बात थी ह्यूमन राइट्स की उसके बाद जब हम वुमेन राइट पर आए वुमेन राइट right को ह्यूमन राइट्स के आने के बाद भी काफी फाइट करना पड़ा ऐसा नहीं है हमें वो प्लेटर पे नहीं मिला ह्यूमन राइट्स के साथ वुमेन राइट्स भी ठीक है हमें वुमेन राइट right अपने राइट्स के लिए काफ़ी ज्यादा क्या करना पड़ा डिमांड्स करनी पड़ी फाइट करनी पड़ी काफ़ी मूवमेंट्स चली बिहाइंड द सीन और तब जाके हमें कहीं ना कहीं वुमेन राइट्स जो है वो इशू किए गए ट्रेडिशन बायस था अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स बाय द वुमेन ठीक है क्योंकि पुरानी सोसाइटीज ऑलमोस्ट हर सोसाइटी जो पहले अगर हम देखें मॉडर्निटी में नहीं जब अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में थी ठीक है मोस्टली रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी होती थी तब एंड हर सोसाइटी में क्या होता था जो वुमेन है उनको सब्जुगेट किया जाता था फाइन तो uh, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखते हैं अडॉप्टेड बाय वुमेन अडॉप्टेड बाय यूएन क्या थी रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन पहला है कन्वेंशन ऑन द पोलिटिकल पार्टी ऑन द पोलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन इसको अडॉप्ट किया था बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन तो पोलिटिकल राइट होता क्या है राइट टू तो टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट या गवर्नेंस बोलो ऑफ हिज और हर कंट्री इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है जो ये कन्वेंशन था इसने क्या कहा था पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन को वुमेन को उनके पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए एंड इस कन्वेंशन में तीन इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन सामने आई थी कि उनको राइट टू वोट दे दो एंडस्ट इलेक्शन की वो इलेक्शन लड़ पाए एंड दे केन होल्ड पब्लिक ऑफिस जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पे वो फंक्शन कर सके वहाँ पे काम कर सके फॉर एग्जाम्पल आपके आई एस ऑफिसर्स वगैरह ये जो पब्लिक पोस्ट है इनके लिए वुमेन भी एलिजिबल होनी चाहिए ये इस पॉलिटिक इस कन्वेंशन में ये तीन डिक्लेरेशन सामने आई थी फिर देखा हमने कन्वेंशन ऑन देशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन नाइनटीन सेवेंटी फाइव इम्पॉर्टेंट नहीं है वरीवन हैज अ राइट टू अशनैलिटी इसमें यह बात की गई है चाहे आपके चाहे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई हो किसी का डिवोर्स हो गया हो ठीक है या किसी के हस्बैंड ने अपनी नेशनैलिटी चेंज की हो उस केस में क्या करेगी जरूरी नहीं वो वही चीज फॉलो करे जो उसके हस्बैंड कर रहे हैं शी हैज गॉड द राइट टू अशनलिटी ये बात यहाँ पे हुई है कन्वेंशन ऑन द कंजेंट टू मैरिज मिनिमम एज ऑफ मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नाइनटीन सिक्सटी टू तो जो ये वाला कन्वेंशन है कंजेंट टू मैरिज की काफी इंपॉर्टेंट है फोर्सफुल मैरिज आप नहीं कर सकते एंड आपकी मैरिज जो है वो

इसमें आपने दो डेट्स देखी हैं। पहले देखो जो सिडो है ये आपका है कन्वेंशन ऑन तो द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1979 में ठीक है तो जो 1982 है ये बेसिकली क्या है ये कमेटी है ऑन सिडो ये जो सिडो है इसपे एक कमेटी बनी थी वो कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन में उसको बोला जाता है कमिटी ऑन द कन्वेंशन कमिटी ऑफ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन या इन शॉर्ट में कमिटी ऑन सिडो सिडो की एक कमिटी बनी थी 1982 में और सिडो जो है उसको खुद अडॉप्ट किया था 1979 में तो ये कमेटी काम क्या करती है पहले तो इसके जो मेंबर्स हैं 23 मेंबर्स होते हैं इसमें जो एक्सपर्ट होंगे ऑन वुमेन्स इस इशू और जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका टेनियर होता है फोर इयर्स का ठीक और ये काम क्या करती है ये देखती है जो भी 1979 का जो एक कन्वेंशन है जिस भी कंट्री ने कन्वेंशन साइन किया है क्या वो कंट्री काम कर रही है वुमेन्स राइट्स के लिए नहीं वो देखना किसका काम है वो इस कमिटी का देखना काम है ठीक है तो ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो यहाँ पे डाउट सिडा को इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी बोला जाता है ठीक ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखोगे एंड ये याद रख लेना इंडिया ने साइन की थी 1980 में एंड इसको रेटिफाई किया था 1993 में तो ये दो इयर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखने होंगे इंटरनेशनल वुमेंस ईयर एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस है ईयर के साथ वो हम देखेंगे यहाँ पे वीडियोज में एक मिस्टेक हो गई थी एंड वो कंपाइल्ड पीडीएफ में भी है काइंडली करेक्ट दैट जो इंटरनेशनल ईयर है वुमन ईयर उसको वो यू एन ने डेजिग्नेट किया था नाइनटीन सेवेंटी फाइव और ना कि नाइनटीन सेवेंटी फोर ठीक है वो आपको देखना है यू एन डेजिग्नेटेड नाइनटीन सेवेंटी फाइव एज इंटरनेशनल वुमेन ईयर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने आई आर डब्ल्यू वाई ठीक है अभी पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा डिम है ये ग्रीन कलर इन 1975 ऑर्गेनाइजिंग अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन मेक्सिको सिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन ठीक है तो 1975 को यूएन ने कहा था वुमेन कायर रहेगा रहे ये इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर और कब सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे हम हर ईयर एथ मार्च को ठीक है ये भी याद रख लेना तो इसके साथ ही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हुई थी चार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज है इंपॉर्टेंट जिनके ईयर्स आपको याद रखने हैं एंड थोड़ा बहुत अगर ऑब्जेक्टिव या थीम उन कॉन्फ्रेंसेज uh, का याद रखोगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है तो पहली जो ये कॉन्फ्रेंस है ये मेक्सिको में हुई थी मेक्सिको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्या हुआ था इट एडोप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ मेक्सिको ऑन इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एंड पीस ठीक है तो मेक्सिको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बात है इस प्लान में आउटलाइन किए थे नाइन स्पेसिफिक एरियाज फॉर द नेशनल एक्शन कितने नाइन स्पेसिफिक एरियाज आउटलाइन किए थे कि क्या इंपॉर्टेंट नाइन स्पेसिफिक एरियाज है जिनपे काम होना है और वो काम कौन करेगा रेस्पेक्टिव कंट्रीज जो है वो काम करेंगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ रेम्यूनरेशन जो पे वगैरह मिलती है एंड सोशल बेनिफिट ठीक है तो ये तीन चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आउट ऑफ दीज नाइन स्पेसिफिक एरियाज एंड यूएन ने क्या कहा था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स से लेकर नाइनटीन एटी फाइव को डिक्लेयर किया था एज द यूएन डिकेड फॉर वुमेन ठीक है सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी कपन हागन में 1980 में इसका थीम था इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन ठीक है अगेन डेवलपमेंट की बात हुई थी डेवलपमेंट इन द स्टेटस और ऊपर हमने क्या पढ़ा था देर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड पीस ये कूपन हागन है तीसरा था नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ये भी नोट्स में गलत हो गया था नाइनटीन लिखा है मैंने ये नाइनटीन है नाइनटीन ठीक है ये करेक्ट कर लेना अब नेहरू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था देखो इसमें बेसिकली बात हुई थी जो पुराना डेकेड है उसमें क्या काम हुआ था अगर आप ईयर देखो तो पुराना डेकेड आपका कहाँ से कहां तक आता है नाइनटीन से नाइनटीन तक एंड नाइनटीन में एक कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले एक ओवरव्यू लिया गया पुराने डेकेड में क्या काम हुआ है ठीक है एंड इसमें क्या किया फिर इस कॉन्फ्रेंस में तीन बेसिक कैटेगरीज को इस्टेब्लिश किया गया टू तो मेजर द प्रोग्रेस अचीव्ड ठीक है कि क्या क्या प्रोग्रेस जो है वो अचीव की है उसके लिए तीन बेसिक कैटेगरी जो है वो डेजिग्नेट की गई वो इस्टेब्लिश की गई मेजर करने के लिए कि वाकई में कुछ काम हुआ है कि नहीं पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स इक्वालिटी इन सोशल पार्टिसिपेशन एंड थर्ड वन वॉज इक्वालिटी इन पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग ठीक है दैट मीन इन तीन एरियाज को इस्टैब्लिश किया गया तो कहा था अगर इन तीन एरियाज में काम हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट डेकेड में हमने कुछ प्रोग्रेस जो है वो अचीव करी है फाइन तो ये था आपका नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फोर्थ वन इज बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ये 1995 में हुई थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मानी जाती है पुरानी जो तीन कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनसे भी ज्यादा ठीक है तो इसमें किस पे बात हुई थी विमेन्स इक्विटी एंड इक्वालिटी देखो इक्वालिटी का हमें पता है जब हम दो जेंडर्स की बात करें तो आपस में इक्वालिटी रखनी चाहिए जब हम विमेन की इक्विटी की बात करें तो आपको फेयर भी रहना होगा वुमेन के साथ एंड आपस में उनके इम्पार्शल भी रहना होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप वुमेन को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ठीक है लेकिन आपको जो, आप जो वुमेन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको उसमें यह देखना है कि जिनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्या उनमें उतना पोटेंशियल है दैट मीनस वुमेन में भी आपस में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है उनको आ, आपको हायर करना है उनके स्किल के बेसिस पे ठीक है तो आ, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है इसके बाद प्रिपेयर किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ट्वेल्व क्रिटिकल एरियाज फॉर वुमेन डेजिग्नेट किए थे ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रख सकते हो ट्वेल्व ठीक है वुमेन एंड पॉवर्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन

प्लस वुमेन प्लस बीजिंग प्लस फाइव एक स्पेशल सेशन हुआ था इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद जिसका टाइटल था वुमेन टू थाउजेंड जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड ये कब हुआ था जून टू थाउजेंड में एट यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क ठीक है तो जैसे बीजिंग प्लस है तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया कि बीजिंग प्लस फाइव कहाँ पे हुआ था क्योंकि चाइना की कैपिटल है तो आप सोचेंगे हो सकता है चाइना ही हो ठीक है ये चाइना नहीं है कहाँ पे हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था याद रख लेना आप वुमेन राइट्स देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्सट में तो पहला है वन हंड्रेड सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये क्या करता है ये रिजर्व करता है वन थर्ड ऑफ ऑल द सीट्स फॉर वुमेन लोकसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली ठीक है वो इसमें ऐड कर लेना तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने फिल्टर आउट किए हैं कंपाइल पीडीएफ से देख के फाइन अगर आपको पूरी डिटेल देखने तो आपको उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा ठीक तो आगे देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बेसिकली क्या है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी कैसे क्या इनहेरिट होगी तो ये एक्चुअली जो मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है उसको कॉडिफाई किया है एज हिंदू सक्सेशन एक्ट हमने पढ़ा है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले चैप्टर्स में भी हमने दो स्कूल पढ़े थे प्रॉपर्टी रिलेटेड मिताक्षा एंड दया जो मिताक्षर स्कूल है उसमें सन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्लेम करेगा राइट और फादर्स प्रॉपर्टी ठीक है लेकिन जो दयाबागा स्कूल है उसमें जो सन है वो क्लेम नहीं कर सकता है जब तक फादर जिंदा है फादर की अपनी मर्जी है वो क्या करे प्रॉपर्टी के साथ फादर की डेथ के बाद जो है सन क्लेम कर सकता है तो दयाबागा बागा बंगाल में फॉलो होता है एंड जो हाई कास्ट है उनको हम मिताक्षा के साथ एसोसिएट करते थे हाई कास्ट के लोग एंड जो लोअर कास्ट हैं वो किन साथ होते थे दयाबागा के साथ तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है बेसिकली मिताक्षर को ही कोडिफाइड फॉर्म में लाया गया था तो सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली मेल ठीक है ये पहले सिर्फ मेल के रिगार्डिंग था ना कि फीमेल फाइन मेल को सिर्फ और कंसिडर किया जाता था इसमें और मतलब आपका वारिस ठीक है इसको और प्रोनाउंस करते हैं इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2005 में और वुमेन को इसके साथ ही ग्रांट किया गया था कॉपरसनरी राइट्स तो मैंने ये बार बार एक्सप्लेन किया हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया है कि अब बाई डिफॉल्ट जो है वो वुमेन बी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है फादर की जैसे कि सन करते हैं ठीक है तो उसको हम कॉपरसनरी राइट बोलते हैं तो जो ये बाई ये राइट था ये पहले वुमेन के पास नहीं था ये सिर्फ और uh, सन्स के पास होता था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये ऑफेंसेस लाइक रेप को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया इसने बाय इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी किनके लिए अगर रेप हुआ है गर्ल्स बिलो 12 इयर्स ऑफ एज आगे देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 इसने इसने क्या किया है तो पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो एज uh, है फीमेल की वो ट्वेंटी वन ईयर होती है शादी करने के लिए एंड फीमेल्स की एटीन ये जो बिल लाई गई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इस बिल ने क्या कहा कि जो फीमेल्स की मिनिमम एज है उसको इंक्रीज करो अपू ट्वेंटी वन अदरवाइज एक्ट जो है टू थाउजेंड सिक्स का उसके अकॉर्डिंग मैरिजेबल एज क्या कंसिडर की जाती है फीमेल्स की एटीन ठीक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये क्या करता है ये अलो करता है इंटरफेथ मैरिजेस कि जो डिफरेंट रिलीजन के हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये क्या कर, कहता है कि पेड मेटर्निटी लीव जो है वो 12 वीक्स तक ही मिल सकती है ठीक फिर बाद में इसको अमेंड किया गया 2017 में और इस 12 वीक को एक्सटेंड करके कितना बनाया गया 26 वीक. कि 26 वीक वीक कि तक आपको मेटर्निटी लीव जो है पेड मेटर्निटी लीव वो मिल सकती है एंड अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया है बिलो थ्री मंथ्स का तो उनको 12 वीक्स की मैटर्निटी लीव दी जाए फाइन एंड ये 26 वीक्स खत्म होने के बाद वो जो फीमेल है वो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकती है विद एम्प्लॉयज कंसेंट ठीक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 तो ये एक्ट किसके रिगार्डिंग है रिगार्डिंग सेफ एंड लीगल अबॉर्शन ठीक है इसको अमेंड किया गया 2021 में एंड इसमें जो अबॉर्शन आप लीगल कंसीडर करते हो उसमें कुछ ग्राउंड्स को और ऐड किया गया कि अगर कोई अबॉर्शन करवाता है थेरेपेटिक ग्राउंड्स पे थेरेपेटिक ग्राउंड मींस कि फिजिकली और मेंटली अगर कोई प्रिपेयर नहीं हो बेबी के लिए और वो अबॉर्शन चाहे ठीक है तो उसको वो करने दिया जाए यूजेनिक होता है कि अगर जो बेबी है उसके पेट में लेडी के पेट में अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो फाइन ह्यूमैनिटेरियन होता है कि अगर कोई रेप जैसे रेप सर्वाइवर्स होते हैं अगर वो कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो उनको भी अलाउड हो अबॉर्शन एंड सोशल ग्राउंड्स होता है कि जैसे सिंगल मदर्स होंगी या फाइनेंशियली कोई स्टेबल नहीं है अबॉर्शन नहीं चाह जो है बेबी नहीं चाहते हैं उनको भी अबॉर्शन अलाउ मतलब ये उनके लिए भी अबॉर्शन जो है उसको लीगल कर दिया जाए प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड अपटू ट्वेंटी तो वीक्स ठीक है इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है अप टू ट्वेंटी वीक्स अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथर्स यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसन या डिवाइस उनके फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हो जाए अप टू ट्वेंटी वीक्स ठीक है अब इस एमेंडमेंट ने क्या किया ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर वीक्स तक बनाया कि ट्वेंटी फोर वीक्स तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी के, के लोग वो कौन से हैं सर्वाइवर्स ऑफ रेप विक्टम्स ऑफ इंसेस्ट दैट मीन्स अब किसी के घर में अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो एंड अदर वलरेबल वमेन की जैसे वालनरेबल पोजिशन में हो कोई इंटॉक्सिकेटेड हो या कुछ मेंटली uh, स्टेबल नहीं थी उस टाइम पे कोई ऐसा चीज़ क्लेम करें तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरीज के लिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स तक जो है जस्टेशन पीरियड को बढ़ाया गया है दैट मीन्स ट्वेंटी फोर वीक्स तक वो जो है प्रेग्नेंसी अपनी टर्मिनेट करवा सकती है अदरवाइज अपर लिमिट क्या है ट्वेंटी वीक्स एंड इस अमेंडमेंट ने जो अनमेरिड गर्ल्स हैं वो भी उनको भी अलाउ किया गया है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना कब तक अपटू ट्वेंटी तो वीक्स तक वो भी टर्मिनेट करवा सकते हैं एंड इसमें जो डॉक्टर है डॉक्टर का कोई रोल नहीं होगा इस चीज में कि डॉक्टर उनको ये नहीं कह सकते कि वो अनमेरिड है तो वो टर्मिनेट नहीं करवाए प्रेगनेंसी ठीक है ऐसा कोई उनके लिए इलीगल नहीं है एंड देन डॉक्टर को उनकी आइडेंटिटी भी रिविल नहीं करनी होगी एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वेन आर्टिकल फोर्टीन इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने पढ़ा है कि लॉ के लिए सारे इक्वल है आर्टिकल फिफ्टीन कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ कास्ट रेस जेंडर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है तो उसमें सेक्स भी एक आ गया दैट मीनस जो वेमेन है उनको भी इक्वल राइट दे जाएंगे सिक्सटीन कहता है कि एम्प्लॉयमेंट पे आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा आपके जेंडर के बेसिस पे थर्टी एंड फोर्टी टू कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे आप काम करो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन दैट मीनस अगर वुमेन काम कर रही हैं तो वो जो उनका एनवायरमेंट है ठीक है वो कैसा है जहाँ पे वो काम कर रही हैं एंड uh, उनको कितनी ब्रेक्स दी जाती हैं बीच में ठीक है वो सारी चीजें कितने आर्स तक वो काम उनको काम करने दिया जाए उनके लिए वॉशरूम फैसिलिटीज है कि नहीं एंड मेटर्निटी लीव मैटर्निटी लीव वो भी आपके फोर्टी uh, टू का ही पार्ट आता है एंड थर्टी नाइन कहता है कि एडुकेट लाइवलीहुड का प्रोविजन जो है वो हर कोई जेंडर अवेल कर सकता है एडिक्यट लाइवलीहुड यहां हो गया हमारा व्यूमेन राइट खत्म आगे देखते हैं चाइल्ड राइट आगे देखते हैं चाइल्ड राइट्स तो इसमें चाइल्ड किसको कंसिडर किया जाता है जो बिलो 18 ईयर्स होंगे ठीक है यूएनसीआरसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड या इसको सीआरसी भी शॉर्ट में बोला जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो सेट करती है सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल हेल्थ एंड कल्चर राइट्स क्या होने चाहिए चिल्ड्रन के चाइल्ड लेबर होता है उस बच्चे से काम करवाना जो बिलो फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज हो जो सीआरसी के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स

और यूएन ने 1979 को बताया है एज ईयर ऑफ चाइल्ड और इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन क्या रखा था 1975 ठीक यूएनसीआरसी जो है इसने कहा यूएनसीआरसी इज बिल्ट अराउंड फोर पिलर्स दैट इज राइट टू सर्वाइवल राइट टू प्रोटेक्शन राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पार्टिसिपेशन ये सारे राइट्स जो है वो बच्चों को दिए जाने चाहिए कि उनको जिंदा रहने का हक है उनको प्रोटेक्शन दी जाए ठीक है उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए इसका भी उनको हक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दी जाए उसका भी उनको हक है राइट टू डेवलपमेंट दैट मींस उनको ऐसी पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो खुद को डेवलप कर सके राइट टू पार्टिसिपेशन वो इकोनॉमिक पार्टी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कल्चरल एक्टिविटी हो ठीक है हर किसी एक्टिविटी में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन का हक रहता है फाइन तो यू के फोर पिलर्स इंडिया ने रेटिफाई किया सीआरसी को ऑन इलेवन डिसम्बर 1992 तो ये भी अपडेट याद रखना इंडिया ने साइन किए हैं दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स टू सीआरसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरा सेल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोनोग्राफी तो ये दो साइन कब इसने किए थे दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर में आएलो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमने ह्यूमन राइट में ये पढ़ा है ठीक है इसके बारे में इसने लॉन्च किया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर टू थाउजेंड टू में और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर एट पॉइंट सेवन है हमारा वो कहता है कि एंड करो चाइल्ड लेबर इन ऑल फॉर्म्स बाय 2025, ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये भी हमने अचीव ऑल दो नहीं किया पर हमारे एस डी जी के जो कुछ गोल्स सेट हुए थे उसमें जो गोल नंबर या टारगेट नंबर ऑफ एट पॉइंट सेवन आप बोलो वो चाइल्ड लेबर के बारे में है तो आई एल ओ के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यहाँ पे लिखे हैं इंपॉर्टेंट दो कन्वेंशन वन थर्टी एट एंड वन एटी टू वन थर्टी एट कहता है कि एलिमिनेट करो चाइल्ड लेबर को मिनिमम एज देखो क्या होनी चाहिए लेबर के लिए एक्सेप्ट फॉर लाइट वर्क एंड आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस ठीक है तो जो हल्के हल्के काम आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है उसके अलावा बाकी जो है उनके लिए एक मिनिमम एज सेट होनी चाहिए जो हमारी कौन सी हमारी कंट्री की बिलो फोर्टीन वन एटी टू कहता है इमिडिएट एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है उसको ट्रीट करो एज ए मैटर ऑफ अर्जेंसी यह कन्वेंशन नंबर वन एटी टू यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड नाइनटीन फिफ्टी नाइन ये पहला इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था टू आउटलाइन चिल्ड्रंस राइट ठीक है ये वो नहीं है जो हमने पढ़ा यूएनसीआरसी वो यूएनसीआरसी अलग है एंड आप बोल सकते हो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये प्रीकर्सर था तो था यूएनसीआरसी दैट मीन यूएनसीआरसी से पहला पहले बना था प्रीकर्सर टू तो यू एन आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं उसके बाद हम क्विक एक, एक और रिविजन करेंगे क्विक रिविजन जो हमने अभी तक पढ़ा है ये क्या कहता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में है, आर्टिकल ट्वेंटी फोर ठीक है बिलो फोर्टीन ईयर्स काम नहीं कर सकते हैं हजार एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो है ये अमेंडमेंट है आ, तो आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ को उसमें ऐड किया गया था आर्टिकल ट्वेंटी वन में बाय वे ऑफ अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन ठीक है तो राइट टू एजुकेशन को ऐसे एक फंडामेंटल राइट right बनाया गया था बाय द अमेंडमेंट कॉल्ड 86 सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 पहले ऑल द राइट टू एजुकेशन जो है एक डीपीएसपी था जो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल फोर्टी दैट मीन फोर्टी के अंडर ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन गिवन था लेकिन बाद में इसको एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट टू के थ्रू एक फंडामेंटल uh, राइट right बनाया था अंडर आर्टिकल ट्वेंटी ए आर्टिकल थर्टी नाइन ई क्या कहता है कि किसी भी बच्चे से जबरदस्ती किसी भी बच्चे को जबरदस्ती ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए जो उसकी एज को सूट नहीं करता हो जस्ट बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है थर्टी नाइन एफ क्या कहता है कि हर किसी बच्चे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो सके तो एफ से अब फैसिलिटीज याद रख सकते हो और थर्टी नाइन ई क्या, क्या कहता है किसी को भी उसके स्ट्रेंथ के एज के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने देना चाहिए नहीं फोर्स करना चाहिए करने के लिए जस्ट बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही नहीं है तो कुछ लॉज है हमने कुछ सेक्शन देखे थे थ्री सिक्सटी थ्री ए थ्री सिक्सटी सिक्स ए थ्री सिक्सटी सिक्स बी थ्री सेवेंटी टू थ्री सेवेंटी थ्री एंड थ्री सेवेंटी सिक्स ये इंपॉर्टेंट है ये आप आ, मैंने यहां पे डिटेल नहीं लिखी आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ अगर आपके पास जो है कंपाइल पीडीएफ नहीं है तो थ्री सिक्सटी थ्री ए क्या करता है ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग ऑफ माइनर गर्ल्स और उनको काम करवाना लाइक बेगिंग एंड देर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉर प्रोस्टिट्यूशन फॉर प्रोस्टिट्यूशन ठीक है तो ये है आपका सेक्शन थ्री सिक्सटी थ्री ए ठीक 363 ए हाँ अब 366 ए क्या कहता है डील करता है आउटसोर्स uh, करना माइनर गर्ल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनादर ठीक है इंडिया में वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनादर भेजना है ऑफेंस अगर हम किसी और कंट्री से इंडिया में लेके आए ठीक है दैट मीन इम्पोर्ट करें हम टू तो इंडिया गर्ल्स बिलो द एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर दर्पज ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन फॉर प्रॉस्टिट्यूशन थ्री सेवेंटी टू क्या कहता है सेलिंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ये एक पनिशेबल ऑफेंस है सेलिंग ऑफ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन सेलिंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ठीक थ्री सेवेंटी थ्री कहता है बाइंग ऑफ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन बाइंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन जो है ऑफेंस है तो 372 है सेलिंग के लिए 373 है बाइंग के लिए 376 क्या कहता है अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल बिलो 50 बिलो 16 इयर्स ऑफ एज वो रेप कंसीडर किया जाएगा चाहे उसमें लड़की का कंसेंट हो या ना हो स अगर लड़की का कंजेंट है वो विलिंगली कर रही है लेकिन उसकी एज बिलो सिक्सटीन ईयरस है तो वो रेप कंसिडर किया जाएगा एंड कोई भी हसबेंड अगर उसकी वाइफ बिलो फिफ्टीन ईयर्स है और उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो दैट वुल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रेप ठीक है तो ये था चाइल्ड राइट्स को लेके अभी हमें चाइल्ड राइट्स ही कंटिन्यू करना है पहले मैं क्विकली क्या करूँगी हम जल्दी देखेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा इंटरनेशनल वुमेन ईयर से करते हैं 1975 जो है डेग्नेट किया है इंटरनेशनल वुमेन ईयर 1975 ठीक है तो इसकी चार इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज आपको याद रखनी है पहली मेक्सिको में 1975 में ही 1975 उसके बाद कोपन 1980 फिर हमने पढ़ी 1985 ठीक है एंड उसके बाद हमने पढ़ी बीजिंग 1995 फिर हमने पढ़ा बीजिंग प्लस फाइव वो हमने देखा कब 2000 में तो यहाँ पे यही सारी बातें हमने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस देखी इनका थोड़ा ये आप देख लोगे इसके बीजिंग में हमने फोर क्रिटिकल एरियाज फॉर वुमेन जो है वो आउटलाइन किए थे एंड जो आपकी मेक्सिको में थी उसमें नाइन चीजें बताई थी नाइन स्पेसिफिक एरियाज कौन से होने चाहिए फॉर नेशनल एक्शन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ रेम्यून एंड सोशल बेनिफिट्स थी एंड इंटरनेशनल यू एन डिकेट फॉर वुमेन कौन सा कंसिडर किया गया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन एटी फाइव ठीक है उसके बाद नैरोबी में तीन बेसिक कैटेगरीज बताई थी जो इस्टेब्लिश करी गई थी टू मेजर द प्रोग्रेस अच्छी वो ये वाली थी तो ये नोट्स में नहीं है कंपाइल पीडीएफ में ये आप उसमें कर लोगे कंपाइल पीडीएफ में ऐड कर लेना ठीक है उसके बाद हमने इंडियन स्पेसिफिक वुमेन्स राइट पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 ये रिजर्व करता है वन थर्ड ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा हमने मिताक्षरा को क्वालिफाई किया गया है कॉपर्सनरी uh, राइट इसमें ऐड किए गए थे बाय अमेंडमेंट ये राइट right किसके ये एक्ट किसके रिगार्डिंग है रिगार्डिंग द सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली मेल इसीलिए उसको बाद में अमेंड किया गया फिर क्रिमिनल लॉ देखा फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज देखा इसमें नई बिल आई है 2021 जो कहते हैं फीमेल की एज को इंक्रीज करके 21 बनाओ एक्ट के अकॉर्डिंग 21 मेल एंड 18 फीमेल स्पेशल मैरिज इंटरफेथ मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट क्या कहता है पेड मेटर्निटी लीव 12 वीक्स की मिलनी चाहिए लेकिन इसको अमेंड किया गया टू में जिसमें कहा ट्वेल्व वीक्स टू ट्वेंटी वीक तक इसको एक्सटेंड करो फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसको एम टी पी एक्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं हो सकता है एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ही आ जाए पी एसेंट किया गया है उसको इंक्रीज किया गया किसी स्पेशल कैटेगरीज के लिए और अनमेरिड वुमेन को भी अलाउ किया गया फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फिर हमने ये सारे चाइल्ड राइट देखे ठीक है चाइल्ड राइट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पहले देखी यूएनसीआरसी ठीक है इनने चाइल्ड को किसको कहा है बिलो 18 इयर्स ऑफ एज चाइल्ड लेबर इंडियन कॉन्टेक्स में है बिलो 14 फाइन फिर हमने इनके कुछ आर्टिकल्स देखे यूएनसीआरसी यूएनआरसी के जो कहते हैं जो डील करते हुए सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन इसको अप्रूव किया गया ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन एंड इसके चार पिलर्स होते हैं इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है इलेवन डिसम्बर नाइन में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर आएलओ के हमने दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखे 138, 182 और एसडीजी टारगेट 8.7. फाइन और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये सारे तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट में कोशिश करूंगी आपका जो ये यूनिट थर्ड है ये कंप्लीट करने का इसमें इस वाले मैराथन में कम टाइम इसीलिए लगा क्योंकि इसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो हमने यूनिट सेकंड के साथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट थर्ड कंप्लीट करेंगे और साथ में आपके एमसीक्यू सीरीज भी तैयार हो रही है थोड़ा तो टाइम लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे टाइप करना पड़ता है खुद से इतने सारे क्वेश्चन एंड ऑल एंड क्वेश्चन पे सर्च करना खुद से क्वेश्चन बनाना थोड़ा तो टाइम लग जाता है इन चीज़ों में तब तक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर आपका स्पेशलाइजेशन जितना मैंने दिया है वो सारा बिल्कुल रिवाइज है तो ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं कोई और कंपोनेंट रिवाइज करने में जब तक मैं आपका एमसीक्यू एंड जो रेस्ट ऑफ द मैराथन है वो कम्प्लीट करूंगी टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैवे अ ग्रेट डे